हमारी आज की वीडियो में हम डर से भागते हुए खतरनाक सांपों को दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सांपों की प्रजातियां बहुत ही खतरनाक होती है, चाहे फिर वो किंग कोबरा हो या फिर ब्लैक माम्बा। इन सांपों के एक वार से इंसान सीधा परलोक सिधार सकता है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो बच भी सकते हैं, वरना 99% केसेस में इंसान का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। इस पृथ्वी पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं जो सांपों को भी टक्कर देने में पीछे नहीं हटते, जिनमें मेंटिस, ईगल और हनी बेजर तो है ही, लेकिन इन सबसे खतरनाक जीवों में है नेवला, जो सांप को केवल डराता ही नहीं बल्कि इसके छक्के भी छुड़ा देता है। ये नेवला इन सांपों को केवल नाश्ते में ही नहीं बल्कि लंच और डिनर में भी खाना पसंद करता है। अगर इन मंगूस की साइज की बात की जाए तो इनका साइज भले ही बिल्ली के जितना होता है, लेकिन ये अपने आप को किसी शेर से कम नहीं समझते। ये इन सांपों के ऊपर इतने भारी पड़ जाते हैं कि ये केवल उन पर हमला ही नहीं करते बल्कि इन्हें जान से भी मार देते हैं। फिर चाहे वो ब्लैक माम्बा ही क्यों ना हो, जिसे सांपों की प्रजाति का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है, लेकिन नेवले के सामने इसकी भी हवा टाइट हो जाती है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह सांप नेवले के एक वार से ही धराशायी हो गया। फिर इस नेवले के लिए ब्लैक कोबरा को मारना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ आप ब्लैक माम्बा को भी देख सकते हैं, जो कि इस नेवले से 5 गुना लंबा है। फिर भी इस नेवले ने बिना इस सांप के साइज के बारे में 1 मिनट भी सोचे इस पर सीधा हमला कर दिया। ऐसे इस नेवले के इस तरह हमला करने से तो यही जाहिर होता है कि शायद इस नेवले को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, वरना इतने बड़े सांप पर अकेले हमला करने का मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। अगर इनके इस तरह के जीवों को पचाने की कैपेसिटी की बात करें तो इन जीवों को जहरीले जानवरों को पचाने के लिए कुछ सुपर पावर मिली हुई है। इनके शरीर में किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होता और इसकी वजह कोई सुपर पावर नहीं बल्कि इनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को माना जाता है। नेवले सांपों में पाए जाने वाले टॉक्सिक जहर को पचाने में माहिर होते हैं। इन नेवलों की पहली चॉइस सांप खाना ही होता है। ये मंगूज इन सांपों का शिकार करने के लिए इतने फेमस हैं कि सांपों का शिकार करने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो सांप पेड़ पर ही क्यों ना रहते हों। ये नेवले इन सांपों को यहाँ भी नहीं छोड़ते। ये सांप पेड़ की डालियों पर ये सोचकर राहत की सांस ले रहे होते हैं कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी अचानक से नेवले ने सांप पर ऐसे अटैक किया जिसे देखकर सांप भी हैरान हो गया। जब ये नेवले एक बार ठान लें कि इन्हें इस सांप को खाना है तो इसका मतलब खाना है, फिर चाहे इसके लिए इन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इन मंगूस का स्वभाव इंसानों के लिए बहुत ही अलग होता है। ये नेवले इंसानों के वफादार तो होते ही हैं, साथ ही इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। कई बार तो इंसानों के लिए बहुत मददगार भी साबित होते हैं, जैसा कि आप इस सच्चे घटना में देख सकते हैं जो कि 1883 में देखने को मिली थी। जब यहाँ गन्ने की खेती की जा रही थी तभी किसी दूसरे आइलैंड से बहुत से चूहे आ गए और जिन्होंने पूरी की पूरी फसल को खराब कर दिया। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए मंगूस को मंगाया जाए। 72 मंगूस को हवाई आइलैंड से मंगाया गया। तब इन मंगूस ने चूहों का शिकार इनके बिलों से ढूंढ ढूंढ कर किया और अब इनके खाने की बात आती है तो इन्हें एग्स भी खाना काफी पसंद है। ये जीव इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इन्होंने कई जीवों की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इनको ऐसा करते हुए जमैका, क्यूबा और हेलन में देखा गया है। दोस्तों, एक और घटना 1910 में देखने को मिली, जब इस आइलैंड पर जहरीले और खतरनाक सांपों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी। इन सांपों ने इतना आतंक फैला दिया था कि इन्होंने इंसानों को भी काटना शुरू कर दिया, जिसके कारण बहुत लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। तब इन सांपों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय था, वो था नेवला। तब इन मंगूस को कावा आइलैंड से लाया गया। हालांकि इन सांपों की संख्या में ज्यादा कमी तो नहीं आई, मगर इन मंगूस के डर से इन सांपों को फिर से नहीं देखा गया। लेकिन ये नेवले सांपों पर अटैक करना कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे ये ग्रुप ही अटैक क्यों ना करते हो। ये डोमेस्टिक डॉग्स पर भी अटैक करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कई बार सांपों के अलावा ये नेवले अन्य जीवों का भी शिकार करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो खरगोश ही क्यों ना हो। एक बार जब डॉग को मंगूस ने देखा तो उस पर हमला कर दिया। ये एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मंगूस ही सेफ जोन में अटैक करता रहा। अगर इन मंगूस को देखा जाए तो इन्हें स्ट्रीट गैंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। ये ग्रुप में रहकर किसी भी जीव पर अटैक कर सकते हैं और ऐसा करना इनके लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है। ये मंगूस ग्रुप में पाइथन स्नैक पर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद इन मंगूस में से एक मंगूस अपनी बहादुरी दिखाते हुए अकेले ही जाकर उस सांप को चेक करने लगा।
कि क्या ये मर चुका है। इन कुत्तों के झुंड को मंगूस पर अटैक करते हुए देख सकते हैं। इतने सारे कुत्तों को एक साथ देखकर भी इन मंगूस को डर नहीं लगा, बल्कि डटकर इनका सामना कर रहे हैं और पलटकर वार भी। इन्हें चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद एक मंगूस वहां से निकलकर भाग जाता है। अगर एक डॉग होता तो अकेले मंगूस के लिए उसे डराना आसान होता, मगर अकेले होने के कारण इस मंगूस को खुद की जान बचाकर भागना पड़ा। ये भी बहुत बड़ा स्नेक है जो कि जिंदा है। जहां ये मंगूस ग्रुप में रहकर इस पर अटैक करने की योजना बना ही रहे होते हैं, मगर उस तक पहुंचते नहीं है, तब इनके पास इससे भी बेहतर ऑप्शन होता, ये आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। मजे की बात है कि लड़ने से पहले एक दूसरे के आमने सामने लाइनअप हो जाते हैं, जिसके बाद एक दूसरे पर ग्रुप में अटैक करते हैं। अगर ये मंगूस इंडिविजुअल अटैक करेंगे तो इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन कई बार मेल और फीमेल मंगूस के बीच में फाइट करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आपको ये लगता है कि ये केवल ग्रुप में अटैक करते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकेले मंगूस लायन को भी टक्कर देने से पीछे नहीं हटते, और इन मंगूस के लिए कहना गलत नहीं होगा कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करते हैं। कई बार इन्हें सोशल एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। इनमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी सांप नेवले की लड़ाई, कमेंट बॉक्स में बताना।